किसी को न बताना। गुड़सुंदर नाम का दरबारी तेनालीराम से बहुत नाराज था। हंसी हंसी में तेनालीराम ने कुछ ऐसी बातें कह दी थी जो उसे बुरी लग गई थी। मन ही मन वो तेनालीराम से बदला लेने की योजना बनाया करता था, क्योंकि राजगुरु भी तेनालीराम से नाराज रहता था, इसलिए राजगुरु और गुड़सुंदर में दोस्ती हो गई। गुड़सुंदर को ये बात बुरी लगती थी कि राजा हर समय तेनालीराम की प्रशंसा किया करते थे। वो राजा को भी बुरा भला कहता था। तेनालीराम को इसका पता था। एक बार सुंदर और राजगुरु दोनों ने मिलकर राजा से तेनालीराम की बहुत बुराई की और कहा, महाराज तेनालीराम पीठ पीछे आपकी बुराई करने से नहीं चूकता। महाराज को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने तेनालीराम से पूछा, क्या तुम सचमुच मेरे लिए गलत शब्द कहा करते हो? तेनालीराम सारी बात समझ गया और बोला, महाराज आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको आज रात दूंगा, पर आपको मेरे साथ चलना होगा। अंधेरा होने पर तेनालीराम राजा को लेकर राजगुरु के घर के पिछवाड़े पहुंचा और दोनों खिड़की के पास खड़े हो गए। अंदर राजगुरु और गुड़सुंदर बातें कर रहे थे। हमारे महाराज भी बस कानों के कच्चे हैं। अब तक तेनालीराम जो कहता रहा वो उसे सच मानते रहे। आज हम दोनों ने जो कहा वो सच मान लिया, कहकर गुड़सुंदर हंस पड़ा। उसने राजा को लेकर और भी उल्टी सीधी बातें की। राजगुरु कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने अपने दोस्त की बातें काटी भी नहीं। राजा ने अपने कानों से सब सुना। तब तेनालीराम बोला, महाराज अब तो आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया। हाँ तेनालीराम, पर राजगुरु के लिए हमारे मन में अब भी सम्मान है। लगता है तुमसे ईर्ष्या के कारण राजगुरु भटक गए हैं और गलत आदमी की दोस्ती में फंस गए। जैसे भी हो, तुम्हें इस गुड़सुंदर के जाल से राजगुरु को निकालना होगा। राजा बोले तो तेनालीराम ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस कुछ दिनों तक इंतजार करना होगा। कुछ दिन बाद तेनालीराम ने एक दावत दी। उसमें राजा कृष्णदेव राय भी पधारे, सभी दरबारी भी थे और राजगुरु और गुड़सुंदर भी थे। तेनालीराम ने राजगुरु की विशेष आवभगत की। बड़ी देर तक गपशप चलती रही। एकाएक तेनालीराम ने अपना मुंह गुड़सुंदर के कान के पास ले जाकर कुछ कहा। उस समय तेनालीराम की निगाह राजगुरु पर टिकी थी। जो तेनालीराम ने कहा वो गुड़सुंदर की समझ में ना आया, क्योंकि तेनालीराम ने यूं ही कुछ ऊट पटांग शब्द कहे थे। फिर जरा जोर से कहा, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है किसी को बताना नहीं। राजगुरु ने तेनालीराम को गुड़सुंदर के कान में बातें करते देखकर समझा कि अवश्य ही उसके विषय में कोई बात कही है। राजगुरु ने गुड़सुंदर से पूछा, क्या कह रहा था तेनालीराम? कुछ नहीं, मेरे कान में उसने कुछ कहा तो, परंतु मेरी समझ में न आया कि उसने क्या कहा है, गुड़सुंदर ने कंधे उचका कर कहा। राजगुरु ने सोचा, गुड़सुंदर मुझसे असली बात छुपा रहा है, दोस्त होकर भी वो ऐसा करे तो वो दोस्ती किस काम की? अवश्य ही तेनालीराम और मेरा ये मजाक उड़ा रहे होंगे। मैं तो समझता था कि गुड़सुंदर मेरा दोस्त है। उसके बाद राजगुरु ने गुड़सुंदर से बातें करना और मिलना जुलना बंद कर दिया। दोनों की दोस्ती कुछ ही दिनों में बीती हुई कहानी बनकर रह गई। राजा ने तेनालीराम से कहा, सचमुच मुश्किलों को सुलझाने में तुम्हारा कोई जोड़ नहीं। ऐसा काम किया है तुमने कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। कौड़ी का हीरा। पड़ोसी मिस्र राज का एक दूत महाराज कृष्णदेव राय के पास चंदन की डिबिया में एक हीरा लेकर आया। साथ में एक पत्र भी था। लिखा था, चंदन की डिब्बी में एक हीरा चीन के एक व्यापारी का है, मैं इसे खरीदना चाहता हूं, किंतु मेरे राज्य का कोई जौहरी इसके मूल्य का ठीक आंकलन नहीं कर पाया। कृपा अपने दरबार में हीरों के पारखियों से इसके मूल्य का आंकलन करा कर दे। महाराज स्वयं हीरों के शौकीन थे, इतने सुंदर हीरे को देखकर हैरान रह गए। दूत को अतिथिशाला में भेज महाराज ने अपने राज्य के जौहरियों को बुलाकर उसका मूल्य पूछा। जौहरी भी इस हीरे को देखकर हैरान थे। जांच परख के बाद वे बोले, महाराज ये हीरा अनमोल है, इसके लिए 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी कम हैं। कोई भी जौहरी उस हीरे की कीमत का सही आकलन न कर सका। सम्राट सोच में पड़ गए कि मित्र राजा के दूत को क्या उत्तर देकर भेजे। तभी तेनालीराम ने उस हीरे को देखने की इच्छा प्रकट की। राजा ने मंत्री से तेनालीराम को हीरा देने को कहा तो मंत्री ने अनिच्छा से वो हीरा तेनालीराम को थाम दिया। तेनालीराम ने हीरे को हथेली पर एक क्षण के लिए रखा, फिर अपनी ऊनी लबादे में बाई ओर रख लिया।
ये देखकर राजा सहित सभी चकित रह गए। राजा ने उससे ऐसा करने का कारण पूछा तो वो बोला, महाराज मैं अपने हृदय से इसका मूल्य पूछ रहा था। मेरा हृदय कहता है कि हीरा एक कौड़ी का भी नहीं। जिसने भी तेनालीराम के शब्द सुने अवाक रह गए। अंत में जौहरी बिगड़ गए कि तेनालीराम ने उनके ज्ञान का मजाक उड़ाया है। या तो वो अपनी बात साबित करें या माफी मांगे। राजा ने तेनालीराम से कहा तो तेनालीराम उन सभी को लेकर एक अंधेरे कक्ष में पहुंचा। वहां एक मेज पर हीरा रखकर उसने सबसे पूछा कि हीरा कहाँ है, लेकिन कोई न बता सका। तब तेनालीराम ने कहा कि यदि वो असली हीरा होता तो अंधेरे में भी चमकता, लेकिन वो एक नकली हीरा है, तभी तो उसका मूल्य एक कौड़ी भी नहीं। राजा सहित सभी दरबारी उसकी सूझबूझ की प्रशंसा करने लगे। चर्चा की बात। एक बार राजा कृष्णदेव राय से पुरोहित ने कहा, महाराज हमें अपनी प्रजा के साथ, अपनी जनता के साथ सीधे जुड़ना चाहिए। पुरोहित की बात सुनकर दरबारी चौंके। वे पुरोहित की बात का अर्थ न समझ सके। तब पुरोहित ने अपनी बात को समझाते हुए उन्हें बताया, दरबार में जो भी चर्चा होती है हर सप्ताह उस चर्चा की प्रमुख बातें जनता तक पहुंचाई जाए, प्रजा भी उन बातों को जाने। तब मंत्री और सेनापति में खुसर फुसर हुई। मंत्री ने सुझाया, महाराज विचार तो वास्तव में बहुत उत्तम है, तेनालीराम जैसा अकलमंद और चतुर व्यक्ति ही इस कार्य को सुचारू रूप से कर सकते हैं। साथ ही तेनालीराम पर दरबार की खास जिम्मेदारी भी नहीं है। राजा ने मंत्री की बात मान ली और तेनालीराम को ये काम सौंप दिया। ये तय किया गया तेनालीराम जो सारी जनहित और प्रजाहित की बातें राज दरबार में होंगी लिखित रूप में दरोगा को देगा। दरोगा उन बातों को नगर के चौराहों पर मुनादी कराकर जनता प्रजा को सूचनाएं देगा। तेनालीराम सारी बात समझ गया कि उसे जबरदस्ती मंत्री ने फंसाया है। तेनालीराम ने अपने मन में एक योजना बनाई। सप्ताह के अंत में उसने एक पर्चा मुनादी करने के लिए दरोगा को सौंप दिया। दरोगा ने यह पर्चा मुनादी कराने वाले को पकड़ा दिया। मुनादी वाला सीधा चौराहे पर पहुंचा और ढोल पीट कर मुनादी करते हुए बोला, सुनो सुनो सुनो, नगर के सारे नागरिक सुनो, महाराज चाहते हैं कि दरबार में जनहित के लिए जो फैसले लिए गए हैं उन्हें सारे नगरवासी जाने। उन्होंने श्रीमान तेनालीराम को ये कठिन दायित्व सौंपा है। हम उन्हीं की आज्ञा से आपको ये समाचार सुना रहे हैं। ध्यान देकर सुनो, महाराज चाहते हैं कि प्रजा व जनता के साथ पूरा इंसाफ हो, अपराधी को दंड मिले। इस मंगलवार को दरबार में इसी बात को लेकर काफी गंभीर चर्चा हुई। महाराज चाहते हैं कि पुरानी न्याय व्यवस्था की अच्छी और साफ सुथरी बातें भी इस न्याय प्रणाली में शामिल हो जाएं। इस मसले पर उन्होंने पुरोहित जी से पौराणिक न्याय व्यवस्था के बारे में जानना चाहा, किंतु पुरोहित जी इस बारे में कुछ न बता सके क्योंकि वो तो दरबार में बैठे ऊँग रहे थे। उन्हें इस दशा में देखकर राजा कृष्णदेव राय को गुस्सा आ गया। उन्होंने भरे दरबार में पुरोहित जी को फटकारा। गुरुवार को सीमाओं की सुरक्षा पर राज दरबार में चर्चा हुई, किंतु सेनापति के उपस्थित न होने के कारण सीमाओं की सुरक्षा की चर्चा आगे न चल सकी। राजा ने मंत्री जी को कड़े आदेश दिए हैं कि राज दरबार में सारे सभासद सही समय पर आए। ये कहकर मुनादी वाले ने ढोल बजा दिया। इसी प्रकार हर सप्ताह नगर में जगह जगह मुनादी होने लगी। हर मुनादी में तेनालीराम की चर्चा हर जगह होती। तेनालीराम की चर्चा की बात मंत्री, पुरोहित और सेनापति तक पहुंची। वे तीनों चिंतित होकर कहने लगे, तेनालीराम ने तो सारी बाजी ही उलट दी है। जनता समझ रही है कि दरबार में केवल वही प्रमुख है, वो जानबूझकर हमें बदनाम कर रहा है। दूसरे दिन जब राजा दरबार में थे तो मंत्री ने कहा, महाराज हमारा संविधान कहता है कि राजकाज की समस्त बातें गोपनीय होती हैं, उन बातों को जनता या प्रजा को बताना ठीक नहीं। तभी तेनालीराम बोल पड़े, बहुत अच्छे मंत्री जी, मगर आपको शायद उस दिन ये बात याद नहीं थी। आपको भी तभी याद आया जब आपके नाम का डंका बजा। ये सुनकर सारे दरबारी हंस पड़े। बेचारे मंत्री जी की शक्ल देखने लायक थी। राजा मन ही मन तेनालीराम की प्रशंसा करने लगे। जाड़े की मिठाई। जाड़ों के दिन थे। राजमहल में राजा कृष्णदेव राय के साथ तेनालीराम और राजपुरोहित बैठे थे। सुबह की गुनगुनाती हुई धूप सेकते हुए तीनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी एकाएक राजा ने कहा, जाड़े का मौसम सबसे अच्छा होता है, खूब खाओ और सेहत बनाओ।
खाने की बात सुनकर पुरोहित के मुंह में पानी आ गया और बोला, महाराज जाड़ों में तो मेवा और मिठाई खाने का अपना ही मजा है, अपना ही आनंद है। अच्छा बताओ, जाड़े की सबसे अच्छी मिठाई कौन सी है? राजा कृष्णदेव राय ने पूछा। पुरोहित ने हलवा, मालपुए, पिस्ते की बर्फी आदि कई मिठाइयां गिना दी। राजा ने ये सभी मिठाइयां तुरंत मंगवाई और पुरोहित से कहा, जरा खाकर बताइए इनमें सबसे अच्छी कौन सी है। पुरोहित को सभी मिठाइयां पसंद थी, किसको सबसे अच्छी बताता। राजा ने तेनालीराम से पूछा तो तेनालीराम ने कहा, महाराज नाम पूछकर क्या करोगे, आज रात यदि आप मेरे साथ चलो तो मैं आपको वो बढ़िया मिठाई खिलवा भी दूंगा। राजा कृष्णदेव राय मान गए। रात को साधारण वेश में राजा और पुरोहित तेनालीराम के साथ चल पड़े। चलते चलते तीनों काफी दूर निकल गए। एक जगह दो तीन आदमी अलाव के सामने बैठे बातों में खोए थे। वे तीनों भी वहां रुक गए। इस वेश में वे उन्हें न पहचान पाए। पास ही कोल्हू चल रहा था। तेनालीराम उधर गए और कुछ पैसे देकर गरम गरम गुड़ ले आए। अंधेरे में राजा और पुरोहित को थोड़ा थोड़ा गुड़ देकर बोले, लीजिए खाइए जाड़े की असली मिठाई। राजा ने गरम गरम गुड़ खाया तो उसे बड़ा स्वादिष्ट लगा। वाह कितनी बढ़िया मिठाई, यहां अंधेरे में कहां से आई। तभी तेनालीराम ने एक जगह पड़ी पत्तियों को उठाकर अलाव जलाया और बोला, महाराज ये गुड़ है। गुड़ और इतना स्वादिष्ट? हाँ महाराज, जाड़ों में असली स्वाद गरम चीज में आता है। ये गुड़ गरम है इसलिए स्वादिष्ट है। ये सुनकर राजा मुस्कुरा दिए। पुरोहित अब भी चुप था। तोते का रक्षक। एक बार किसी ने सम्राट कृष्णदेव राय को एक बोलता हुआ तोता भेंट किया। वो तोता बड़ी मीठी और सुंदर सुंदर बातें करता था। वो लोगों के प्रश्नों का उत्तर भी देता था। राजा को वो तोता बहुत पसंद आया। उन्होंने उसे पालने और रक्षा करने के लिए अपने एक विश्वासी नौकर को बुलाया और कहा, लो ये तोता संभालो, अब इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसका पूरा ध्यान रखना। तोता मुझे बहुत प्यारा है, याद रखो यदि तोते को कुछ हो गया तो तुम्हारे हक में ठीक ना होगा। अगर तुमने या किसी और ने यह समाचार दिया कि तोता मर गया है तो तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ेंगे। नौकर ने तोते को ले लिया और उसकी खूब देखभाल करने लगा, उसकी सुख सुविधा का हर प्रकार से ख्याल रखने लगा। पर एक दिन तोता मर गया। बेचारा नौकर मृत्यु दंड के भय से थर थर कांपने लगा। वो जानता था कि तोते की मृत्यु का समाचार सुनते ही महाराज उसे तत्काल मृत्यु दंड दे देंगे। बहुत देर सोचने के बाद वो भागा भागा तेनालीराम के पास पहुंचा और उसे अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। तेनालीराम ने कहा, बात सचमुच बहुत गंभीर है। वो तोता तो महाराज को बहुत प्रिय था, पर तुम चिंता मत करो, कुछ उपाय मैं सोच ही लूंगा, तुम केवल चुप रहना। तोते के विषय में महाराज से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं संभाल लूंगा। तेनालीराम महाराज के पास पहुंचा और घबराया हुआ बोला, महाराज वो आपका तोता, क्या हुआ तोते को, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तेनालीराम बात क्या है? महाराज ने पूछा तो तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज आपका वो तोता अब बोलता ही नहीं, बिल्कुल चुप हो गया है, न खाता है न पीता है और न पंख हिलाता है, बस सूनी आंखों से ऊपर की ओर देखता रहता है, उसकी आंखें तक नहीं झपकती। तेनालीराम की बात सुनकर महाराज बहुत हैरान हुए। वो स्वयं तेनालीराम के साथ चलकर तोते के पिंजरे के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि तोते के प्राण निकल चुके हैं। झुंझलाते हुए वो तेनालीराम की ओर मुड़े और बोले, सीधी तरह से क्यों नहीं कह दिया कि तोता मर गया है? तुमने सारी महाभारत सुना दी लेकिन असली बात नहीं कही। महाराज आप ही ने तो कहा था अगर तोते के मरने का समाचार आपको दिया गया तो तोते के रक्षक को मृत्यु दंड दिया जाएगा। अगर मैंने आपको उसकी मृत्यु का समाचार दिया होता तो बेचारा नौकर अब तक मौत के घाट उतार दिया गया होता, तेनालीराम ने कहा। उसकी बात सुनकर सम्राट कृष्णदेव राय मुस्कुरा पड़े। वे तेनालीराम से बहुत प्रसन्न हुए कि उसने उन्हें एक निर्दोष व्यक्ति को प्राण दंड देने से बचा लिया। पक्षी कितने। राजा कृष्णदेव राय यदा कदा तेनालीराम को छकाने के लिए बड़े अटपटे प्रश्न पूछ लिया करते थे। एक दिन उन्होंने तेनालीराम से भरे दरबार में पूछा, तेनालीराम क्या तुम बता सकते हो कि हमारे राज्य में कुल कितने पक्षी हैं? अवश्य बता सकता हूं महाराज, लेकिन मुझसे भी अधिक विद्वान इस दरबार में बैठे हैं, इनके होते हुए मैं इस प्रश्न का उत्तर देने की धृष्टता कैसे कर सकता हूं?
तेनालीराम ने उत्तर दिया तो राजा ने दरबारियों की ओर देखा, लेकिन इस विचित्र प्रश्न का उत्तर कौन देता? कहीं उड़ने वाले पक्षियों की भी गिनती की जा सकती है। इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था। राजा ने कहा, तेनालीराम, अब तो इस प्रश्न का उत्तर तुम ही दे सकते हो। देख ही रहे हो, ये किसी अन्य के बूते की बात नहीं है। महाराज, राज्य के कुल पक्षियों की संख्या 305,611 है। आप चाहें तो गिनवा कर देख लीजिए। तेनाली का उत्तर सुनकर महाराज ने पूछा, और अगर गिनवाने पर पक्षियों की संख्या कम निकली तो? इसका एक ही कारण हो सकता है कि शेष पक्षी अपने संबंधियों से मिलने पास के दूसरे देश गए होंगे। तेनाली का गंभीरता भरा उत्तर सुनकर महाराज ने फिर पूछा, अगर पक्षियों की संख्या तुम्हारी बताई हुई संख्या से अधिक हुई तो? सीधी सी बात है, बाहर से कुछ पक्षी अपने रिश्तेदारों से मिलने यहां आए हुए हैं। तेनालीराम ने उसी गंभीरता से उत्तर दिया। राजा निरुत्तर हो गए। उन्होंने शेष दरबारियों की ओर देखा, जो तेनालीराम की बुराई करने का अवसर हाथ से नहीं जाने देते थे। मानो कह रहे हो, देखा, तेनालीराम के ऊंचे पद पर और सम्मान का ये रहस्य है। कौन है तुम लोगों में से ऐसा जो इतना हाजिर जवाब हो कि अपनी तीव्र बुद्धि से सबको निरुत्तर कर देता हो? मनहूस कौन? रमैया नाम के आदमी के विषय में ये मशहूर था कि जो भी सुबह उसकी सूरत देख लेता है उसे शाम तक खाना नसीब नहीं होता। राजा ने सुना तो सोचा कि उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। यही सोचकर राजा ने रमैया को बुलाकर रात को अपने कक्ष में सुला दिया और दूसरे दिन प्रातः उठने पर सबसे पहले उसकी सूरत देखी। दरबार में आवश्यक कार्य निपटाने के बाद जब राजा भोजन करने बैठे तभी उन्होंने पहला ही कौर उठाया था कि उन्हें खाने में मक्खी दिखाई दी। देखते ही उनका मन खराब होने लगा, वो भोजन छोड़कर उठ गए। दोबारा भोजन तैयार होते होते इतना समय बीत गया कि राजा की भूख ही मिट गई। राजा ने सोचा, अवश्य ही रमैया मनहूस है, तभी तो आज सारा दिन भोजन नसीब नहीं हुआ। क्रोध में आकर राजा ने आज्ञा दी कि इस मनहूस को फांसी दे दी जाए। राज्य के प्रहरी उसे फांसी देने के लिए ले चले। रास्ते में उन्हें तेनालीराम मिला। उसने पूछा तो रमैया ने उसे सारी बात बता दी। तेनालीराम ने उसे धीरज बताया और उसके कान में कहा, तुम्हें फांसी देने से पहले ये लोग तुम्हारी अंतिम इच्छा पूछें तो कहना कि मैं कहना चाहता हूं कि मैं जनता के सामने जाकर कहूं कि मेरी सूरत देखकर तो खाना नहीं मिलता, पर जो सवेरे सवेरे महाराज की सूरत देख लेता है उसे तो प्राण ही गंवाने पड़ते हैं। ये समझाकर तेनालीराम चला गया। फांसी देने से पहले प्रहरियों ने पूछा तो रमैया ने वही कह दिया जो तेनालीराम ने उसे समझाया था। प्रहरी उसकी अनोखी इच्छा सुनकर चकित हो गए। उन्होंने रमैया की अंतिम इच्छा राजा को बताई। सुनकर राजा सन्न रह गए। अगर रमैया ने लोगों के बीच ये बात कह दी तो अनर्थ हो जाएगा, राजा की छवि खराब हो जाएगी। उन्होंने रमैया को बुलाकर बहुत सा पुरस्कार दिया और कहा, ये बात किसी से मत कहना। रहस्य तपस्या का। विजयनगर में एक बार कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, जिस कारण आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में इस ठंड की चर्चा हुई। पुरोहित ने महाराज को सुझाया, महाराज, यदि इन दिनों यज्ञ किया जाए तो उसका फल उत्तम होगा। दूर दूर तक उठता यज्ञ का धुआं सारे वातावरण को साफ और स्वच्छ कर देगा। बहुत उत्तम सुझाव था पुरोहित का। सभी ने एक कंठ से महाराज से कहा, महाराज, आपको पुरोहित का सुझाव अवश्य पसंद आया होगा। दरबारियों की सहमति सुनकर महाराज कृष्णदेव राय प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, यज्ञ के लिए हमारे खजाने से जितने धन की आवश्यकता हो ले लें। महाराज की आज्ञा सुनकर पुरोहित ने कहा, महाराज, ये यज्ञ 7 दिनों तक चलेगा। कम से कम 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं तो खर्च हो ही जाएंगी। प्रतिदिन सवेरे सूर्योदय से पहले पहर में नदी के ठंडे जल में खड़े होकर तपस्या करूंगा और देवी देवताओं को प्रसन्न करूंगा। और अगले ही दिन यज्ञ शुरू हो गया। इस यज्ञ में दूर दूर से हजारों लोग आने लगे, ढेरों प्रसाद बंटता। पुरोहित जी यज्ञ से पहले सुबह सवेरे कड़कड़ाती ठंड में नदी के ठंडे जल में खड़े होकर तपस्या करते, देवी देवताओं को प्रसन्न करते। लोग ये सब देखते तो आश्चर्यचकित होते। एक दिन राजा कृष्णदेव राय भी सुबह सुबह पुरोहित जी को तपस्या करते देखने गए। उनके साथ तेनालीराम भी था।
ठंड इतनी थी कि दांत किटकिटा रहे थे। ऐसे में पुरोहित को नदी में ठंडे पानी में खड़े होकर तपस्या करते देख राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से कहा, आश्चर्य, अद्भुत करिश्मा, कितनी कठिन तपस्या कर रहे हैं हमारे पुरोहित जी। राज्य की भलाई की इनको कितनी चिंता है, वो तो है ही। आइए महाराज, जरा पास चलकर देखें पुरोहित जी की तपस्या को, तेनालीराम ने कहा। लेकिन पुरोहित जी ने तो ये कहा है कि तपस्या करते समय कोई पास ना आए, इससे उनकी तपस्या में विघ्न पैदा होगा, राजा ने कहा। तो तेनालीराम ने सुझाव दिया, तो महाराज हम दोनों ही कुछ देर तक उनकी प्रतीक्षा कर लें। जब पुरोहित जी तपस्या समाप्त कर ठंडे पानी से बाहर आए तो फल फूल देकर उनका सम्मान करें। राजा कृष्णदेव को तेनालीराम की बात पसंद आई। वो एक ओर बैठकर पुरोहित को तपस्या करते देखने लगे, वो तो ठंडे पानी से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी तेनालीराम बोल उठा, अब समझ में आया, लगता है ठंड की वजह से पुरोहित जी का शरीर अकड़ गया है, इसलिए शायद इन्हें पानी से बाहर आने में कष्ट हो रहा है, मैं इनकी सहायता करता हूँ। तेनालीराम ने कुछ पल सोचा, फिर नदी की ओर बढ़ गया और पुरोहित जी का हाथ पकड़कर उन्हें पानी से बाहर खींच लिया। पुरोहित के पानी से बाहर आते ही राजा हैरान रह गए, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वे बोले, अरे पुरोहित जी की तपस्या का चमत्कार देखो, कमर से नीचे का सारा भाग नीला हो गया। तेनालीराम हंसकर बोला, महाराज ये कोई चमत्कार नहीं है, ये देखिए, सर्दी से बचाव के लिए पुरोहित जी ने धोती के नीचे जल शोषक नीले रंग का पाजामा पहन रखा है। राजा कृष्णदेव राय ये सब देखकर जोर से हंस पड़े और तेनालीराम को साथ लेकर महल की ओर चल दिए। पुरोहित लज्जा से पानी पानी होकर दोनों को जाते हुए देखता रहा। वास्तविक कलाकार सम्राट कृष्णदेव राय का दरबार लगा था। बाहर मौसम की रिमझिम फुहारे पड़ रही थी, वर्षा का मनभावन संगीत महाराज को बड़ा ही मनभावन लग रहा था। तभी राजा ने अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहा, मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस वर्ष भी वर्षा उत्सव धूमधाम से मनाया जाए। ये बात सुनकर सभी दरबारियों के चेहरे खिल उठे। मंत्री ने अपना सुझाव देते हुए कहा, इस अवसर पर राज्य के सभी कलाकार अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करें और सर्वश्रेष्ठ कलाकार का महाराज की ओर से सम्मान किया जाए। राजा की सहमति मिलते ही इस अनोखे वर्षा उत्सव की योजना फौरन तैयार हो गई। लेकिन सम्मान किस कलाकार का हो, महाराज ने पूछा। तब मंत्री ने सुझाव देते हुए कहा, महाराज हमारे राज दरबार में बहुत से कलाकार हैं, उन्हीं में से किसी एक को पुरस्कृत किया जा सकता है। इस अटपटे सुझाव को सुनकर तेनालीराम बोला, महाराज इस बार वास्तव में किसी वास्तविक कलाकार को सम्मानित किया जाए। वास्तविक कलाकार, कहना क्या चाहते हो तुम तेनालीराम, राजा ने आंखें तरेर कर पूछा। महाराज सच्चा शिल्पी कभी किसी को खुश करने के लिए मूर्तियां नहीं बनाता, मैंने एक ऐसा शिल्पी देखा है जो मूर्तियां बनाते बनाते जड़ होकर रह गया है, उसे अपने आसपास की कुछ खबर नहीं। तब तो हम अवश्य उस शिल्पी को देखना चाहेंगे, राजा ने कहा। और अगले दिन राजा कृष्णदेव राय अपने रथ पर सवार हो तेनालीराम मंत्री और प्रमुख सभासदों को साथ लेकर उस शिल्पी से मिलने चल पड़े। चलते चलते एक जंगल में वे काला पहाड़ के निकट पहुंचे। पहाड़ की गुफा से ठक 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 की आवाज निरंतर आ रही थी। राजा कृष्णदेव राय गुफा के अंदर गए, उन्होंने देखा उनके चारों ओर काले पत्थर की मूर्तियां ही मूर्तियां थी। उन्हीं मूर्तियों के बीच वो मूर्तिकार ऐसे बैठा था मानो वो भी कोई मूर्ति हो। राजा कृष्णदेव राय उसके पास गए और पूछा, किसकी मूर्ति बना रहे हैं आप? वर्षा रानी की। नीचे लहलहाती फसलें, ऊपर आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल और बीच में नृत्य करती वर्षा रानी। राजा उन मूर्तियों को अचंभित दृष्टि से देख रहे थे। इतनी सुंदर मूर्तियां उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो उन मूर्तियों को देखता हुआ मूर्तिकार से बोला, आप इन मूर्तियों को बाजार में क्यों नहीं बेचते? इनसे आपको बहुत सा धन मिलेगा। ये काम मेरा नहीं, सौदागरों का है। मैं मूर्तियां बनाता हूँ, इसी में मुझे आनंद मिलता है। कुछ व्यापारी हैं जो ये मूर्तियां ले जाते हैं, मुझे खाने पीने के लिए कुछ पैसा मिल जाता है बस। ये सुनकर राजा कृष्णदेव राय अवाक से उस मूर्तिकार को देखते रह गए। उन्होंने अपने साथ आए दरबारियों की ओर इशारा कर वापस चलने का संकेत किया।
राजा कृष्णदेव राय ने उसी दिन सारे राज्य में घोषणा करवा दी, इस बार वर्षा उत्सव पर वनवासी मूर्तिकार की कला का सम्मान किया जाएगा। मूर्तिकार की बनाई वर्षा रानी की मूर्ति राजमहल के उद्यान के बीचों बीच प्रतिष्ठित की जाएगी। ऐसा ही हुआ। उस अनजान मूर्तिकार की सभी ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की, साथ ही सभी ने तेनालीराम की बुद्धिमता की भी प्रशंसा की। सरहदी दीवार। जब विजयनगर में तोड़फोड़ की घटनाएं बढ़ने लगी तो राजा कृष्णदेव राय ने इन घटनाओं से चिंतित होकर मंत्री परिषद की एक बैठक बुलाई और इन घटनाओं को रोकने के उपाय पूछे। तब सेनापति बोला, पड़ोसी दुश्मन देश के गुप्तचर ही ये काम कर रहे हैं, हमें उनसे नरमी से नहीं सख्ती से निपटना चाहिए। सीमा पर सैनिक बढ़ा दिए जाने चाहिए ताकि सीमा की सुरक्षा ठीक प्रकार से हो सके, मंत्री जी ने सुझाया। राजा ने अब तेनाली राम की ओर देखा तो वो बोला, मेरे विचार में तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि एक सरहदी दीवार बनाकर हर समय सेना का पहरा दिया जाए। मंत्री के विरोध के बावजूद राजा ने तेनालीराम का सुझाव सहर्ष मान लिया। सरहदी दीवार बनाने का काम भी उन्होंने तेनालीराम को ही सौंप दिया और कहा कि 6 महीने के अंदर पूरी दीवार बन जानी चाहिए। 2 महीने बीतने के बाद भी जब दीवार का काम आगे नहीं बढ़ा तो उन्होंने तेनालीराम से पूछताछ की। तेनालीराम बोला, क्षमा करें महाराज, बीच में एक पहाड़ आ गया है, पहले उसे हटवा रहा हूं। पहाड़ तो हमारी सीमा पर कोई नहीं है। राजा ने पूछा तो तेनालीराम ने ताली बजाई। ताली बजाते ही सैनिकों से घिरे 20 व्यक्ति राजा के सामने लाए गए। ये लोग कौन है? राजा ने तेनालीराम से पूछा तो वो बोला, पहाड़, ये दुश्मन देश के घुसपैठिया है महाराज, बड़े मुश्किल से पकड़ में आए। पिछले 1 महीने से इनमें से आधे 5-5 बार पकड़े गए थे, मगर इन्हें दंड नहीं दिया गया। कारण मंत्री जी बताएंगे, क्योंकि इन्हीं की सिफारिश पर इन लोगों को छोड़ा गया है। मंत्री के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। राजा सारी बात समझ गए। उन्होंने सरहद का सारा काम मंत्री से लेकर तेनालीराम को सौंप दिया।